कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आता है कि सर हमें क्लोजिंग करने के कुछ नए नए तरीके सिखाइए। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 5 सीक्रेट्स फॉर क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए 5 कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और उस सीक्रेट का नाम है RNPPB। जी हाँ, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आप आराम से इसे याद रख पाए। RNPPB, राइट, 5 सीक्रेट्स फॉर क्लोजिंग, राइट फ्रेंड्स। सो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम ललित अरोड़ा है और मैं पिछले 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूं। सबसे पहले मैंने अपना जब करियर शुरू किया, आई वॉज अ टेलर। टेलर से मैं ट्रक ड्राइवर बना, ट्रक ड्राइवर से मैं इंटीरियर डिजाइनर बना। इंटीरियर डिजाइनर के बाद करीब 23 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। करीब 30 लाख लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। 2000 से ज्यादा सक्सेसफुल सेमिनार्स कर चुका हूँ और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, 5 सीक्रेट्स फॉर क्लोजिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया RNPPB, राइट, RNPPB हमारा शॉर्ट फॉर्म है। आपको याद रखने में आसानी होगी इस फॉर्मूला को। सो इस फॉर्मूला का नाम है RNPPB और इसमें सबसे पहला जो R है, दैट इज रेपो। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिसको भी प्लान दिखाएं वो इमीडिएटली ज्वाइन कर ले। बस मैं प्लान दिखाऊं और वो ज्वाइन कर ले, मैं प्लान दिखाऊं और वो ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता कि आज ही मैं पौधा लगाऊं और कल उस पर फल लग जाए। जो प्रकृति के नियम है उतना टाइम तो लगेगा। सेम वे अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या किसी की क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो नियम आपको याद रखना होगा वो है रैपो बिल्डिंग। दोस्तों रैपो बिल्डिंग का मतलब, इसको दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो रिलेशन बिल्डिंग भी कह सकते हैं। यानी कि आपको पहले सामने वाले से रिलेशन बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को लगता है कि प्लान दिखाओ और ज्वाइन कराओ, ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। पहले थोड़ा सा एक दूसरे के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, पहले दोस्ती हो जाए, पहले ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाए। ये रैपो बिल्डिंग का असली फायदा पता है क्या है? रैपो बिल्डिंग से ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, राइट। और जब सामने वाले का हमारे ऊपर ट्रस्ट बन जाता है, उसके बाद वो चुटकियों में डिसीजन लेता है, चुटकियों में डिसीजन लेता है। सो जब भी आप क्लोजिंग करें, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है रैपो बिल्डिंग, रैपो बनानी। अब आप पूछेंगे कि सर रैपो कैसे बनानी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रैपो बनाने के हम लोग जो तरीके अपनाते थे, राइट, हम लोग जो तरीके अपनाते थे वो बता रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं कोई किताबी ज्ञान बांटता नहीं हूँ और मैं कोई इधर उधर से वीडियोस देखकर वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैंने तो अपने 23 साल में जो किया वो आपको बताता हूँ, दैट्स इट। और इसीलिए शायद मेरी भाषा जो है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा लगती होगी। मैं कोई टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं देता हूँ, कोई भारी भरकम शब्द नहीं ढूंढ के लाता मैं जो कि आपको समझने में मुश्किल हो, राइट। सो रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या है? रैपो बिल्डिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, सामने वाले से दोस्ती करना। रैपो बिल्डिंग का मतलब है सामने वाला जिस प्लेटफॉर्म है उसी प्लेटफॉर्म पर हम भी खड़े हो जाए। अगर वो यहां पर है तो हमें भी यहां पर आकर बात करनी है, अगर वो यहां पर है तो हमें भी यहां पर आकर बात करनी है, यानी कि उसके लेवल में आकर बात करनी है। इसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग के कुछ तरीके बता देता हूं, एक दो छोटे छोटे। रैपो बिल्डिंग का सबसे बढ़िया तरीका है फाइंड समथिंग कॉमन। लिख लीजिएगा, फाइंड समथिंग कॉमन। आप सामने वाले में और अप में, अपने आप में कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ लीजिए कि आप दोनों में कॉमन क्या है। भारत में तो ये बहुत चलता है कि आप कौन सी कास्ट के हैं। हालांकि मेट्रो सिटीज में तो ऐसा नहीं चलता, बट छोटे शहरों में ये बहुत चलता है कि अगर कोई ब्राह्मण है और वो अगर ब्राह्मण के घर फॉलोअप करने जाएगा तो उसका रिजल्ट पक्का है, राइट। लेकिन मेट्रो सिटीज में कोई नहीं पूछता आप किस जात से हैं और आप क्या हैं, हिंदू मुस्लिम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन फ्रेंड्स आपको कॉमन ढूंढना है सामने वाले में। आप कॉमन क्या क्या ढूंढ सकते हैं? मान लेते हैं सामने वाले ने कुछ स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहने हैं। जैसे कि आपने मेरे को देखा होगा, लगभग ज्यादातर वीडियोस में मैं ब्लू कोट पहनता हूँ और व्हाइट शर्ट पहनता हूँ, दिस इज माई फेवरेट। और मेरा इसके साथ एक मैच भी है कि जो मेरे गुरुजी हैं उनका कलर भी ब्लू, वो ब्लू कलर हमेशा पहनते थे, तो मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये पहन के बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैंने ये महसूस किया कि जितने लोग ब्लू कलर पहनते हैं ना, तो मेरी उनसे दोस्ती जल्दी हो जाती है।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर हो रहा है आपको? सो रैपो बिल्डिंग में सामने वाले के साथ कुछ भी कॉमन ढूंढिए, कॉमन, चाहे आपके वंशज कहाँ से थे, आपके दादा परदादा क्या करते थे, चाहे उसके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते थे, व्हाटएवर, चाहे खाने पीने की चीजों में, कुछ भी, लेकिन आपको कॉमन ढूंढना है, राइट? चाहे क्रिकेटर, आपका फेवरेट क्रिकेटर अगर सचिन तेंदुलकर था या है, तो मेरा भी सचिन तेंदुलकर है, तो कॉमन चीज निकल आई तो रैपो बिल्डिंग, राइट? कॉमन टॉपिक पर बात करिए। सबसे पहला आपने कॉमन चीजें ढूंढनी है, पहले ढूंढिए कॉमन क्या उनके घर में। आपने, हम लोग पता है क्या करते थे कि उनके घर में कोई भी अच्छा सा फूलदान रखा है या कुछ भी, तो उससे हम कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपने कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना है सामने वाले में और अपने में। अगर वो भी नौकरी करता है, आप भी नौकरी करते हैं, तो आप बोलिए हम दोनों तो एक जैसे हैं, मैं भी जॉब करता हूँ यार, आप भी जॉब करते हैं, तो कॉमन हो गया, तो रैपो बिल्डिंग हो गया, राइट? इसके अलावा पॉइंट नंबर टू रैपो बिल्डिंग में दूसरा जो पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है सामने वाले को एम्पावर करना। एम्पावर कैसे करना है? सामने वाले को एम्पावर करने का मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, राइट? कॉम्प्लीमेंट, किसी ना किसी चीज की तारीफ करना। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सामने वाले के घर में ढूंढते थे कोई सबसे सुंदर चीज क्या है, तो मैंने देखा एक गुलदस्ता रखा हुआ है, वास, फ्लावर वास रखा हुआ है, तो उसी की तारीफ हम, क्या बात है यार, इतना सुंदर लग रहा है, ये तो एंटीक पीस है, आपने कहाँ से खरीदा, आपको कहाँ से मिला, राइट? तो हम उसकी तारीफ करते थे। तो हमें ये बताया गया था, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, सामने वाले का माइंड ओपन हो जाता है, वो रिसेप्टिव हो जाता है। सो आप सामने वाले की किसी ना किसी चीज की तारीफ करें, उसकी पर्सनालिटी की, उसके कपड़ों की, उसके घर में रखी हुई कोई चीज, कुछ भी। और अगर आप सामने वाले की तारीफ करेंगे, आपकी रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ? सो आपको कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढना है, और आपको किसी ना किसी चीज की बढ़िया सी तारीफ करनी है, तो रैपो बिल्डिंग, दोस्ती हो जाएगी, ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगा, राइट? और उसके बाद पॉइंट नंबर टू, अब आप जो क्लोजिंग कर रहे हैं, इसकी जो ग्राउंड है, इसका जो बेस है, वो बेस आपने तब बनाया था जब आपने प्लान दिखाया था। तो मुझे एक पॉइंट प्लान का भी यहाँ पर ऐड करना है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, तो प्लान शुड बी नीड बेस्ड प्लान, लिख लीजिए, नीड बेस्ड प्लान, राइट? सामने वाले की जरूरत के हिसाब से अगर आपने प्लान दिखाया ना, तो क्लोजिंग करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान। लेकिन दिक्कत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम सामने वाले की जरूरत के हिसाब से प्लान नहीं दिखाते, हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान दिखाते हैं, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम आ जाती है। सो नीड बेस्ड प्लान जब आप करेंगे, नीड बेस्ड प्रेजेंटेशन जब आप करेंगे, तो सामने वाले को जबरदस्त फायदा मिलेगा उससे, क्योंकि वो वही सुनना चाहता है और आप वही बोल रहे हैं, तो वो पकड़ेगा उस चीज को, और आपकी क्लोजिंग बहुत आसान हो जाएगी, राइट? पॉइंट नंबर थ्री, सॉरी, RNPPB में पॉइंट नंबर थ्री, इट्स पेन पॉइंट। दोस्तों हमेशा याद रखना, हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ पेन पॉइंट्स हैं, और अगर आप उस पेन पॉइंट को पकड़ पाए, तो सक्सेस गारंटेड है। अब पेन पॉइंट क्या होता है, हर आदमी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से परेशान है। कुछ लोग हैं जो पैसे की वजह से परेशान है, कुछ लोग हैं जो हेल्थ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग हैं जिनको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, हेल्थ भी ठीक है, बट वो अपनी नौकरी की अनसर्टेनिटी की वजह से परेशान है, पता नहीं कब मेरी नौकरी चली जाए। सो आपको ये ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले का पेन पॉइंट क्या है, और अगर आपको सामने वाले का पेन पॉइंट पता चल गया ना, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपका क्लोजिंग हो गई, सब आपकी क्लोजिंग 100% गारंटीड है। आपने सामने वाले का पेन पॉइंट ढूंढना है। अब आप कहोगे सर वो कैसे ढूंढेंगे हम पेन पॉइंट, तो वो भी बता देता हूं। पेन पॉइंट ढूंढने के लिए थोड़ा दोस्ती करो, थोड़ी इधर उधर की बातें करो, इधर उधर की, समझ रहे हैं, मौसम के बारे में, क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ओके, इधर उधर की जब आप बातें करके वापस उस पॉइंट पर आएंगे, तो कोशिश करें कि वो आदमी अपने मुंह से खुद बोले। जब आप उससे पूछेंगे और बताइए घर परिवार में सब कैसा चल रहा है, अच्छा और बताइए आपका जो फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, फाइनेंशियल तो एग्जैक्टली आप नहीं पूछ सकते, आप कहां कहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि आप शेयर्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, राइट? कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां से, और आप तो बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपको कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती,
तो जब आप ये चीजें बोलते हैं तो सामने वाला अपने आप बोल पड़ता, अरे नहीं नहीं यार मुझे तो सुबह उठते ही ये टेबलेट खानी होती है, दोपहर को ये खाता हूँ, रात को ये खाता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। ज्यादातर लोग परेशान है इस दुनिया में, लेकिन आपको उसका पेन पॉइंट ढूंढना है। ये जो रेपो बिल्डिंग बताई है ना, ये घूम फिर के आपका, आप उसका पेन पॉइंट ही ढूंढ रहे हो रेपो बिल्डिंग। और एक बार आपको उसका पेन पॉइंट पता चल गया तो फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गई, समझ लो आपको नहीं जा सकता छोड़ के आपको, आप तो वो आपको पेमेंट देगा ही देगा, क्योंकि अब उसका पेन पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, पेन पॉइंट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही आपको उसका पेन पॉइंट पता चल गया, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उस पेन पॉइंट के बाद प्रोसेस समझाना है। नेक्स्ट पी इज प्रोसेस। अब आपको उसका पेन पॉइंट समझ में आ गया, अब आपने उसको प्रोसेस बताना है कि देखिए हमसे जुड़कर क्या प्रोसेस है कि आपका ये पेन दूर हो सकता है। क्लियर हुआ आपको? आपने पहले पेन पॉइंट ढूंढा और अब आप उसे प्रोसेस समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि देखिए आपकी समस्या है कि आपकी इनकम कम है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसमें आपकी इनकम आएगी कैसे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसमें आपको रिटेल इनकम आएगा, आपको सेविंग होगी, हमारे यहाँ ऑफर्स आते हैं, वो ऑफर से आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, व्हाटएवर मींस आपकी कंपनी के हिसाब से, आप अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाइए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, भाई साहब हमारे साथ ज्वाइन करो करोड़ों रुपया कमा लोगे, उस आदमी को भरोसा नहीं होता है क्योंकि थक गए हैं लोग झूठे वादे सुनते सुनते, थक चुके हैं। राइट, उन्हें झूठे वादे मत दो, उन्हें प्रोसेस बताओ। आज के समय में हर आदमी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना चाहता है कि देखिए जैसे ही आप हमारे साथ स्टार्ट करेंगे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी ये सेविंग हो जाएगी, उसके बाद आपको ये फायदा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद आप कुछ लोगों को हमारे साथ रेकमेंड करेंगे, आपकी इतनी इनकम हो जाएगी, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आपकी पार्ट टाइम इनकम आपकी फुल टाइम इनकम से ज्यादा हो जाएगी। वो आदमी ये तो जानना चाहता है उसका पेन पॉइंट क्या है कि उसकी इनकम कम है, वो जॉब करता है उसकी इनकम कम है, तो आपको उसका पेन पॉइंट समझ में आ गया। अब वो आपसे सुनना क्या चाहता है, अब वो आपसे ये सुनना चाहता है कि भाई साहब मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसको समझाइए कि कैसे आप उसकी इनकम को बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लंबी लंबी छोड़नी नहीं है यार, बड़े बदनाम हो गए हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लीडर, लंबी लंबी तू ज्वाइन कर देख करोड़ों रुपए की इनकम, तू ज्वाइन कर देख, अरे नहीं यार बहुत हो गया, रुक जाओ। राइट, स्टेप बाय स्टेप उनको बताएंगे, 2-3-4 स्टेप बना लो कि मैं नौकरी वाले का किसी भी नौकरी वाले आदमी की क्लोजिंग करूंगा तो मैं उसको ये 4 स्टेप बताऊंगा, किसी हाउसवाइफ को समझाऊंगा तो उसको ये 5 स्टेप बताऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप अपना एक मेथड तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल। राइट, क्योंकि इस वीडियो को भारत की लगभग सभी कंपनीज के लोग देख रहे हैं तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं समझा सकता, बट मैंने आपको एक आइडिया दिया कि उसका जो भी पेन पॉइंट है उस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको समझा देंगे उस आदमी को समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा ये आदमी छोड़ू नहीं है, ये आदमी फेंकू नहीं है, ये लंबी लंबी नहीं फेंक रहा है, ये टू द पॉइंट बात कर रहा है, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है। जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि ये आदमी प्रैक्टिकल बात कर रहा है। राइट, और उसके बाद 5वां जो पॉइंट है हमारा बी, दैट इज बिलीव। जब आपने उसका पेन पॉइंट ढूंढ लिया, आपने रेपो बना ली, और पहले का मैंने आपको बताया कि प्लान भी नीड बेस्ड ही करना है आपको। राइट, और उसके बाद आपने उसका पेन पॉइंट ढूंढा और उस पेन पॉइंट को सॉल्यूशन दिया स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद 5वां जो पॉइंट आता है वो है बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। नाउ फ्रेंड्स, अब आपने उस आदमी के अंदर बिलीव डालना है, अब आपने सारा सिस्टमेटिक तरीका तो बता दिया, अब उसको बिलीव डालना है और कॉन्फिडेंस डालना है। राइट, क्योंकि बिलीव और कॉन्फिडेंस से ही पेमेंट आएगी, बिलीव और कॉन्फिडेंस से ही वो आदमी डिसीजन लेगा। राइट, तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप प्रैक्टिकल चीजें बताकर उसके डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करिए और बिलीव और कॉन्फिडेंस डालकर उसको उसके ज्वाइन कराइए और उससे पेमेंट लीजिए। क्लियर हो रहा है आपको? सो उसके जो डाउट्स क्लियर होंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्लियर होंगे।
लेकिन वो डिसीजन लेगा आपके बिलीव और कॉन्फिडेंस की वजह से। अब आपको उस आदमी को बिलीव देना है कि भाई साहब आप देखिए इतने हजारों इतने लाखों लोग इस काम को कर रहे हैं, आप देखिए इतने लोग कामयाब हैं, मैं भी कर रहा हूं, ये देखिए मेरी सक्सेस, ये देखिए मेरी ग्रोथ, राइट। और ये इंडस्ट्री भारत में इस तरीके से चल रही है और इधर कोई लॉस होने की कोई संभावना ही नहीं है, होगा तो सिर्फ फायदा होगा, राइट। सो बिलीव बिलीव बिलीव, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, और उसके बाद वो आदमी डिसीजन लेगा। और दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आपने क्लोजिंग करते समय इन 5 पॉइंट्स का ध्यान दिया, आपकी क्लोजिंग का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मैंने क्लोजिंग को लेकर बहुत सारी टेक्निक्स बनाई हुई है, और अगर आप उन टेक्निक्स को भी जाए, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जैसा कि देख रहे होंगे पिछले 3 वीडियोस से मैं आपको 5 सीक्रेट्स दे रहा हूँ, 5 सीक्रेट्स, और दोस्तों ये बहुत पावरफुल सीक्रेट्स हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो बहुत सारे लोगों की आदत है सिर्फ ट्रेनिंग सुनी और ट्रेनिंग भूल गए, ट्रेनिंग सुनी वो सबके वीडियो देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। भाई साहब वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप उसे इम्प्लीमेंट करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी ये फायदा ले, तो इस वीडियो को अपनी टीम को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करना, और आप मुझे ये बताइए इन 5 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके मैसेजेस, राइट फ्रेंड्स। सो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन पैदा करेगा, इस पर इंप्लीमेंट करिए, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और अगर आप और सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।